यह है एक नेचुरल बॉडी बिल्डर जिसने मैक्सिमम मसल अपने 5 साल के शुरुआती कार्यकाल में ही प्राप्त कर लिए थे। बाकी के 2-3 किलो प्राप्त करने में उसे और 5 साल लग गए। किसी का कम मसल गेन हो पाता है और किसी का ज्यादा, बट मोटा मोटी हर बॉडी बिल्डर का यही रेंज रहता है। मेल्स में लगभग 9 से 18 किलो तक मसल गेन हो पाता है, वहीं फीमेल्स में 5 से 11 किलो तक मसल गेन हो जाता है। एक नेचुरल बॉडी बिल्डर को कम से कम 10 साल तक एक्सरसाइज के ये करिकुलम फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके वो अपने नेचुरल पोटेंशियल को प्राप्त कर पाता है। कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करते रहना, धीरे धीरे अपने वजन को बढ़ाना, एक्सरसाइज के वॉल्यूम को 5 से 15 सेट्स पर बॉडी पार्ट पर वीक बनाए रखना, न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खाते रहना जिसमें एसेंशियली अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ा सा बढ़ा के खाना। ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, रणवीर कपूर और रणवीर सिंह, ये कुछ फेमस बॉडी बिल्डर्स कम सेलिब्रिटीज है जिन्होंने अपनी नेचुरल पोटेंशियल को पा लिया है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग इसे भी सच नहीं मानेंगे और इन्हें भी स्टेरॉइड्स की शंका के घेरे में रखेंगे, तो क्यों ना हम ऐसे बॉडी बिल्डर्स को देखें जो स्टेरॉइड्स के आविष्कार के पहले के एरा के। एनाबोलिक स्टेरॉइड्स 1930 से पहले बना भी नहीं था और 1935 से पहले ये इंजेक्टेबल फॉर्म में नहीं आता था। इसका मतलब 1935 से पहले जितने भी बॉडी बिल्डर्स थे वे किसी भी हिसाब से स्टेरॉइड्स के शंका के घेरे में नहीं आ सकते। ये देखिए कुछ बेहतरीन फिजिक जो 1930 के पहले के एरा के हैं। इसमें से कुछ तो 1800 के सन के हैं और इनकी फिजिक भी सराहनीय है। लेकिन क्योंकि अगले 100 सालों में डाइट और एक्सरसाइज की नॉलेज बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव होने वाली थी, ये बॉडी बिल्डर्स किसी भी हालत में बॉडी बिल्डिंग के पिनेकल तक तो नहीं हो सकते थे। नए जमाने के बॉडी बिल्डर्स पुराने जमाने के बॉडी बिल्डर्स से ज्यादा बेहतरीन फिजिक बना पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि स्टेरॉइड्स बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, कोई भी शंका के घेरे से बाहर नहीं रह सकता। अब देखते हैं कि यदि एक नेचुरल बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर दे तो कितना फर्क पड़ जाता है। एक बहुत ही फेमस स्टडी है 1996 की, शायद आपने पहले कभी सुनी हो, जिसमें कुल 43 सब्जेक्ट्स को 10 वीक के लिए कुल 4 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। पहला, जिसमें ना एक्सरसाइज की ना स्टेरॉइड्स लिए। दूसरे ग्रुप ने एक्सरसाइज की लेकिन स्टेरॉइड्स नहीं लिए। तीसरे ग्रुप ने एक्सरसाइज भी की और स्टेरॉइड्स भी लिए। और फोर्थ ग्रुप ने एक्सरसाइज नहीं की लेकिन स्टेरॉइड्स लिए। इसका मतलब ये हुआ, एक नेचुरल ग्रुप था जिसने ट्रेनिंग नहीं की, एक नेचुरल ग्रुप जिसने ट्रेनिंग की, एक एनहांस ग्रुप जिसने ट्रेनिंग की और एक एनहांस ग्रुप जिसने ट्रेनिंग नहीं की। तब फिर जिस ग्रुप ने ना एक्सरसाइज की ना स्टेरॉइड्स लिए उसने बिल्कुल ना के समान डिफरेंस दिखाया। जिस ग्रुप ने एक्सरसाइज की नेचुरली उसने 2 kg के करीब मसल्स गेन किए। जिस ग्रुप ने स्टेरॉइड्स के साथ एक्सरसाइज किया था उसने एवरेज में 6 kg मसल्स ऐड किए। ये लगभग 3 गुना मसल्स है नेचुरल वाले से, न डाइट अलग न एक्सरसाइज अलग, बस खाली डिफरेंस है 600 mg टेस्टोस्टेरोन जो इस ग्रुप ने हर वीक इंजेक्ट किया। पर ये सबसे चौंकाने वाली बात भी नहीं, जिस ग्रुप ने एक्सरसाइज किया ही नहीं बस स्टेरॉइड्स लिए उस ग्रुप ने 3.1 kg मसल्स ऐड किए ऑन एवरेज। ये नेचुरल ट्रेनिंग करने वाले से 1.5 गुना ज्यादा है, वो भी बिना ट्रेनिंग। अब हम देखेंगे डोजिंग जो कि थी 600 mg/week। अब नए मापदंड के हिसाब से हमको ये बताना है कि ये 600 mg कम है या ज्यादा। अगर डोजिंग देखें तो 100 मिलीग्राम होगा उन बीमारियों के इलाज के लिए जिन्हें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहते हैं। वहीं 150 टू 200 मिलीग्राम टेस्ट मतलब स्पोर्ट्स TRT, जहां ब्लड रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल दिखता है पर होता नहीं है। जैसे ही डोज 300 मिलीग्राम होने लगता है ये आ जाता है एनहांस टेरिटरी में। ऐसा नहीं कि इससे पहले वाले एनहांस नहीं थे, बस पता नहीं चल पाता ब्लड रिपोर्ट्स में। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है कि जो बॉडी बिल्डर्स कंपीट नहीं करते, मतलब जो एंट्री लेवल बॉडी बिल्डर्स हैं, वो 500 टू 600 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन लेते हैं। वहीं जो लोग प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग देखते हैं वो लोग मिनिमम 1000 मिलीग्राम से ऊपर चल के 4000 से 5000 मिलीग्राम लेते हैं पर वीक। ये तो हो गया कि कौन कितनी डोसेस लेता है, बट क्या अलग अलग डोज लेने वाले अलग अलग रिजल्ट्स भी दिखाएंगे। अब ये स्टडी जिसमें मसल गेन देखेंगे डोसेस के रिस्पांस में, इस स्टडी में 61 सब्जेक्ट्स को 5 अलग अलग डोसेस दी गई, 25 मिलीग्राम, 50, 125, 300 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम पर वीक 20 वीक्स तक। 25 मिलीग्राम वाले ने सिर्फ 200 से 300 ग्राम मसल्स ही गेन किए और डोज बढ़ने के साथ ही मसल गेन्स भी बढ़ते गए, जिसमें आखिरी ग्रुप ने सबसे ज्यादा 9 किलो मसल गेन किया 20 वीक्स में, मतलब हर वीक में 450 ग्राम मसल, वो भी एवरेज में। मतलब ये हाईएस्ट रिस्पोंडर नहीं था, जस्ट एवरेज रिस्पोंडर था। सोच के देखिए, 450 ग्राम मसल गेन करने के लिए एक नेचुरल बॉडी बिल्डर को शायद 6 महीने से 1 साल लग सकता था अगर वो शुरुआती फेज में होता तो, और बाद के फेज में तो उसे 2 से 3 साल तक लग सकते थे। वहीं इसने हर वीक 450 ग्राम मसल ऐड किया, वो भी सिर्फ 600 मिलीग्राम के इंजेक्शन के साथ। अरे हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताई नहीं, इन लोगों में से किसी ने भी एक्सरसाइज नहीं की।
अब देखते हैं कि कैसे सिमिलर काइंड ऑफ एक्सरसाइज रेजिमेंट अलग अलग लोगों पे अलग अलग असर दिखाती है, जिसमें दिखता है बहुत ज्यादा अलग अलग रिस्पॉन्स। कुछ लोगों को बहुत कम मसल गेन मिला और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा। यहाँ पर होते हैं जेनेटिकली गिफ्टेड लोग जैसे कि आर्नोल्ड, क्रिस बम्स्टेड एक्स्ट्रा। वहीं ज्यादातर लोग बीच में होते हैं जैसे कि आप और मैं। वहीं दूसरी स्टडीज भी हैं जो नेचुरल बॉडी बिल्डर्स का रिस्पांस दिखाती है या फिर एनहेंस्ड बॉडी बिल्डर्स का रिस्पांस दिखाती है, जैसे ये वाली 2001 की स्टडी जहां सबसे बेकार रिस्पॉन्डर ने 20 वीक्स में सिर्फ 4 किलो मसल ऐड किए, वहीं बेस्ट रिस्पॉन्डर ने 14 किलो मसल ऐड किए, वो भी बिना 1 ग्राम वजन उठाए। इस आदमी ने उतना मसल ऐड किया जितना शायद आप और मैं पूरे जीवन में भी ऐड ना कर पाए। मतलब आप अपने मसल्स 2 गुना या 3 गुना भी कर सकते हैं अपनी डोज बढ़ाकर। एक नेचुरल लिफ्टर 9 से 18 किलो तक गेन कर सकता है, उसके ऊपर अगर स्टेरॉइड्स लिए तो 9 से 18 किलो और ऐड कर सकता है, और ऊपर से यदि आप जेनेटिकली गिफ्टेड हैं तो आप 9 से 18 किलो और ऐड कर सकते हैं। उसी तरह स्टेरॉइड्स से बहुत भयंकर परिणाम होते हैं, ये बात सब जानते हैं। ये है स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट NIH के वेबसाइट पर। सिर्फ दिल को देने वाली ये बीमारियां ही काफी होनी चाहिए स्टेरॉइड्स से आपको दूर रखने में। बड़ा ही जाना माना रिस्क है हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड क्लॉट्स, आर्टरी डैमेज, हार्ट अटैक और स्ट्रोक, जो कि कॉमन है स्टेरॉइड यूजर्स में। और कभी कभी अनचाहे परिणाम होते हैं जो देखने लायक भी नहीं होते, जैसे गाइनो, गंजापन, खील, त्वचा का फट जाना और तेलिया स्किन। ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स कम हो सकते हैं, पर कोई ये नहीं कह सकता कि स्टेरॉइड्स लेने से रिस्क कम हो जाएंगे। यदि सच में अपनी बॉडी देखने लायक मस्कुलर बनानी है तो फैट परसेंटेज कम करना होगा, और फैट परसेंटेज कम करने के लिए पहले ये जानना भी पड़ेगा कि फैट परसेंटेज है क्या। यदि आप घर पे ही घरेलू चीजों के साथ ही अपना फैट परसेंटेज नाप पाए तो कैसा रहेगा, आप देखिए अगला वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।